बैक अगेन विद माई न्यू ब्लॉग। और आज मैं इस ब्लॉग में आपको एक न्यू रेसिपी दिखाने वाली हूँ जो कि है मैगी की। ऐसे तो मैगी आप सभी लोगों को बनाना आता होगा, लेकिन जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये मेरे स्टाइल से कुछ अलग तरीके से बनाने की रेसिपी है मैगी को। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स यूज़ होते हैं। तो मैगी को कुछ नए तरीके से बनाने के लिए हमें चाहिए है चॉप्ड गार्लिक, मैगी, अ पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर एंड टर्मरिक पाउडर। इनको हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ही ऐड करेंगे। एंड ये जो मैगी मसाला के पाउचेस हैं इनको हम इस बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। मैंने ये जो मसाला आपका पाउचेस में अवेलेबल होता है इसको ट्रांसफ़र कर लिया है बाउल में। नाउ आर इंग्रेडिएंट्स आर रेडी और अब हम बनाते हैं मैगी। तो मैगी बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए हमको एक कढ़ाई। तो मैंने एक कढ़ाई ले ली है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। अगर आपको मस्टर्ड ऑयल पसंद है तो आप मस्टर्ड ऑयल लेंगे, अगर आपको देसी घी पसंद है तो देसी घी। अगर बट मैं तो देसी घी ही यूज़ करती हूँ, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगता है वो लेंगे। 2 टेबल स्पून आपको देसी घी मैंने ऐड किया है, तो आपको भी ऑयल ऐड करना है। ऑयल भी डाल दिया है और गैस का फ्लेम भी ऑन कर दिया है। अब हम इसके गर्म होने का वेट करेंगे। तो जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है तब तक हमने जो सॉल्ट निकाला हुआ था वो हम इस मसाले में इसको मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से इसका पेस्ट बना लेंगे। इस पेस्ट को थिक ही रखेंगे, ज़्यादा पानी ऐड ऑन नहीं करना है। अभी हमारा ऑयल हो गया है गर्म, तो सबसे पहले इसमें हम अपना गार्लिक डालेंगे जो हमने चॉप करके रखा हुआ था। इसको गोल्डन ब्राउन होने देंगे, इसके गोल्डन ब्राउन होने तक वेट करेंगे। और गैस के फ्लेम को आपको लो पर ही रखना है, अदरवाइज आपका गार्लिक जो है जल जाएगा। गार्लिक हमारा कलर चेंज होने लगा है इसका। अब हम इसमें हमने जो मसाले का पेस्ट बनाया हुआ था उसको ऐड करेंगे। हमने मसाले का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है। गैस को हाई फ्लेम पे कर देंगे क्योंकि पानी गर्म होने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, और जब तक पानी में उबाल ना आ जाए तब तक हम इसमें मैगी नहीं डालेंगे। तो हम पानी के बॉईल होने तक वेट करेंगे। इसका 1 पिंच टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी डाल दी है और 1 पिंच रेड चिली पाउडर यानी कि मिर्च भी डाल दी है। इसको भी हम अच्छे से पानी में बॉयल होने देंगे और पानी को अच्छे से बॉयल होने तक इसका वेट करेंगे। तो अब पानी में उबाल आ चुका है, आप देख सकते हैं पानी हमारा बॉईल हो चुका है। तो अब हम इसमें अपनी मैगी ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे इसी और गैस के फ्लेम को फिर से लो कर देंगे। तो जब तक हमारी ये मैगी बॉईल होती है तो इसको हम कवर कर देंगे और अब हम इसके मैगी के बॉईल होने का वेट करेंगे आफ्टर 2 मिनट्स। दोबारा से अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर से हम इसको कवर कर देंगे क्योंकि अभी तक ये बॉईल नहीं हुई है अच्छे से। आफ्टर 2 मिनट्स हम फिर से चेक करेंगे और देखेंगे, देखो हमारी मैगी बनकर
सर्विंग बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। सो नाउ सी द फाइनल लुक ऑफ माय मैगी। तो आप मैगी रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा और अपने रिव्यू से मुझे मेरे साथ शेयर करिएगा, और एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत टेस्टी लगती है ये। जिसको गार्लिक खाना पसंद है उसको ये मैगी बहुत पसंद आएगी, बिकॉज इसमें स्पेशल गार्लिक का ही टेस्ट होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन, बाय बाय।